जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। कई बार जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि भाई किस भगवान का नाम ले लूं, ये डर भाग जाए। कभी अकेले सो रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि रात में जब सोए तो वो अकेले नहीं सो सकते हैं। उनको लगता है कि अगर वो रात में अकेले सोए तो उनपे भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, ऐसा कुछ हो जाए। अकेले कमरे में नहीं बैठ सकते, अंग्रेजी में क्लस्टरफोबिक उसको बोलते हैं। ये कई बार जो होता है, ये किया कराया भी होता है कि सच में आपके साथ कोई ऐसी शक्ति घूमती है जो आपको अकेले में देख के परेशान करती है, आपको मानसिक तनाव देती है, आपको डराती है। तो आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जो डरपोक है, और सत्य मानिए दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि डरपोक ना हो, जिसको डर ना लगता। मंत्र साबर है, देह रक्षा मंत्र है, ठीक है। और मंत्र जो है वो हनुमान जी का आवाहन करते हुए और गुरु गोरखनाथ जी को प्रत्यक्ष मानते हुए पढ़ा जाता है, ठीक है। विधान बहुत ही अनोखा है, मतलब पहले शायद मैंने आपको ये विधान नहीं बताया होगा। साबर मंत्रों में क्या होता है कि एक प्रकार का विधान एक प्रकार की शक्ति को जब आप संबोधित करते हैं या उसका आवाहन करते हैं तो विधान लगभग एक जैसा ही होता है। इसका जो विधान है थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें आप भोग देते हैं गोरक्षनाथ के नाम पर और भोग खिलाते हैं स्वान को। ये विधान जो है, जब भैरव जी की पूजा होती है तो जो मूल भोग, जो भोग वो होता है जो सिर्फ भैरव जी के लिए हो, वो भैरव जी को अर्पण करने के बाद स्वान को खिलाते हैं। उसी प्रकार से इस देह रक्षा का जो विधान है, इसको सिद्ध करने में जो आपको 7 दिन लगेगा, उस 7 दिन में जो आप भोग बनाते हैं वो स्वान को खिलाते हैं। थोड़ा अटपटा है। तो कैसे करना है इस पूजा को? काला वस्त्र रहेगा, काला कम्बल का आसन रहेगा, दक्षिण की दिशा रहेगी, आकाश जो है वो दिखना चाहिए साधना में, सरसों के तेल का दीपक रहेगा, दीपक एक मुखी रहेगा लेकिन उसको दो तरफ से जलाएंगे। जिस तरफ दीपक का मुख है वो सामने की तरफ जलेगा और उसी का एक मुख जो है आपकी तरफ जलेगा, ठीक है। गोबर के कंडों में, जो गोबर के उपले बनते हैं, उसको जलाना है कपूर से, ठीक है। और मंत्र को जाप करते करते लौंग से आहुति देते जाना है, ठीक। ये है इस साधना को करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो, ठीक है ना। मंत्र क्या है? मंत्र मैं 3 बार बोलूंगा, इसको सुन लीजिए, फिर प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मंत्र है ओम। ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, ओम। नमो धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न धीर, बाजे सिंघी, बाजे तर तूरी, आया गोरखनाथ, मीन का पुत्र, भुज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। फिर से सुनिए, ओम नमो धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न धीर, बाजे सिंघी, बाजे तर तुरी, आया गोरखनाथ, मीन का पुत्र, भुज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। जो पहला लाइन है इस मंत्र का, उसमें धरती का बंधन होता है। ओम नमो धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न धीर। उसके बाद गोरख का आह्वान होता है, बाजे सिंघी, बाजे तर तुरी, आया गोरखनाथ। उसके बाद उनका व्याख्यान,
मीन का पुत्र मतलब मच्छेंद्रनाथ का पुत्र, भुज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारे पीठ पीछे जति हनुमंत खड़ा। ठीक है, शब्द साचा पिंड का चा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, ये अंत में मंत्र को बांध दिया वचन से। इस मंत्र को 7 रात्रि तक करना है, शनिवार से शुरू करके शुक्रवार तक। इसमें दशांश इसलिए नहीं होगा कि जाप के साथ साथ जो है आप इसमें हवन जो है करते जाएंगे। कोई भी मिट्टी का एक पात्र ले लेंगे, ठीक है, और आम के डंठल से जो हवन सामग्री में जो लकड़ी कटा हुआ मिलता है उससे हवन नहीं करना है। हवन जो है आम के डंठलों को सुखा के ही करेंगे, ठीक है। तो चौमुखी बनाएंगे, जो मेरा हवन कुंड है वो चौमुखी रहेगा, मतलब लकड़ी जो है चार तरफ से रहेगी। कोई भी गोल मिट्टी का बर्तन ले लिया और उसमें चार लकड़ी लगाया, उसके ऊपर चार लगाया, चार लगाया, चार लगाया, ऐसे 16 लकड़ी लगा करके उसको प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है। वो जब लकड़ी प्रज्वलित हो जाएगी, नीचे कपूर रहेगा, उसके ऊपर जो है गोबर का जो है एक उपला जो होता है काउडंग केक, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, उसको रख दीजिए। उसमें जब आग पकड़ ले तो ये आपके सामने रहेगा। उसके बाएं तरफ जो है आप दीपक जलाएंगे, दीपक का एक छोर जो है सामने की तरफ जलेगा, एक छोर जो है वो आपकी तरफ जलेगा, ठीक है। और लौंग को एक एक करके जो है आप 4 माला आहुति देंगे उस गोबर के उपले पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि गिनती करने का बहुत तरीका होता है, लेकिन आपको बाएं हाथ पर ही इस मंत्र का गिनती करना है। तो बाएं हाथ का जो आपका अनामिका है उसके मध्य से शुरू करेंगे, उसके बाद अनामिका में जाएंगे, फिर वापस जो है हम इंडेक्स फिंगर पे आ जाएंगे, उसके नीचे तक जाएंगे, मतलब जो मध्यमा है उसका नीचे का दोनों छोर हम छोड़ देंगे, और उसके बाद 10 तक गिनती होगी, फिर वापस जिस क्रम में आए हैं उसी क्रम में वापस जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपको 4 माला जाप करना है। जाप करने के बाद जो है 7 दिन तक आप इसका जाप करेंगे, रात्रि में 10:30 बजे के बाद ये मंत्र सिद्ध। अच्छा, समापन से पहले 2 विषय, एक तो अगर पुष्प चढ़ाना है तो वो धुना जब जल जाएगा तो उसमें चढ़ाएंगे, और दूसरा कि जो भोग है वो आप जो धुना है उसके दाहिनी ओर रखेंगे, मतलब अपने भी दाहिनी ओर रखेंगे। और जब आपका रोज का पूजा समाप्त तो होगा तो रोटी और दूध जो भोग में चढ़ना है उसको किसी स्वान को रात में ही जाके खिला देंगे, कभी भी खुद नहीं खाएंगे, ठीक है। उसके बाद जहां आप बैठेंगे, मान के चलिए आपको सोते समय डर लगता है, तो इस मंत्र को 7 बार आप जाप करेंगे, और अपने आपका जो सोने का स्थान है, जो पलंग है, उसके चारों तरफ अपने इंडेक्स फिंगर से एक रेखा खींच देंगे ये मंत्र पढ़ के, या मंत्र पढ़ते पढ़ते रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके का अगर व्याधि होगा आप पे, भूत प्रेत हो या किसी तरीके का शत्रु दोष हो, किसी कुछ भी हो, श्राप हो, वो सब जो है इस बंधन के अंदर में नहीं घुस सकता है। कहीं आप बैठे रहते हैं अकेले अपने ऑफिस में या कहीं पर भी, तो जो कुर्सी है या जो कमरा है वो भी बांध सकते हैं, पूरे घर को बांध सकते हैं आप इस मंत्र से 7 बार पढ़ के जल लेकर के। और जो व्यक्ति किसी पर बाधा से पीड़ित हो, ठीक है, तो उसके गर्दन को पीछे की तरफ से पकड़ना चाहिए, ठीक है, पकड़ करके उसके बाएं कान में इस मंत्र को 7 बार बोलना चाहिए। 7 बार बोल करके फिर हाथ में जल लीजिए, फिर 7 बार मंत्र पढ़िए और उसको झाड़ दीजिए। तो वैसे कुछ भी उसके ऊपर प्रेत बाधा हो या ऐसा वो कुछ डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल दिखा रहा हो तो वो तुरंत शांत हो जाता है, ठीक है। फिर इसी मंत्र से धागा बना करके उसको आप जो है दाहिने हाथ में काले धागों को पहना देंगे, तो उसके ऊपर जो भी व्याधि है वो वापस उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो जो भी लोग डरते हैं, जिनको डर लगता है कि भाई कुछ तो है मेरे आसपास, एक बात तो समझ लेने का चीज़ है कि हम जितना दुनिया को देख सकते हैं दुनिया उससे कहीं ज़्यादा है, और जो सिक्स सेंस है वो भले हम लोगों के सुप्ता अवस्था में हो लेकिन मृत अवस्था में नहीं होता है। तो बहुत बार जो आपको डर लगता है वो वाजिब होता है, और आपके आसपास कुछ ऐसा होता है जो आपको क्षति पहुँचा रहा होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके के मंत्रों के जीवन में प्रयोग करने से ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपको बहुत क्षति पहुँचाती है, वो रुक जाती है।
इस मंत्र को याद कर लीजिए और प्रयोग कीजिए जिनको भी डर लगता हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। भगवान गोरक्षनाथ और भगवान भैरव, रांची वाले भैरव बाबा, आप सभी पे अनंत कृपा बरसाए और आप सभी को सुरक्षित रखें इन सभी तरह के व्याधियों से। ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालय यज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्।